मेरे दिल का दर्द किसने देखा है? मुझे तो तड़पते सिर्फ रब ने देखा है। मैं तन्हाई में बैठ के रो लेता हूँ, आपने तो मुझे बस। आज मैं बना रही हूँ मटन हांडी, मजेदार सी रेसिपी। एक बार बनाएंगे, बार बार बनाने का दिल करेगा और बनाकर खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन हांडी। इसमें मैंने 5 कटी हुई प्याज ऐड कर दिए, एक अलग ही स्टाइल में बना रही हूँ। मैंने चूल्हे पर प्रेशर कुकर रख दिया है, इसमें 5 कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। चूल्हा मैंने चालू नहीं करा अभी। हाफ के जी मटन है, तो अभी इसमें ऐड कर दूंगी। मटन को अच्छी तरह से धोकर मैंने ले लिया है। चलो तो गैस का चूल्हा मैं चालू कर देती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी वो भी मैंने इसमें डाल दी, 1 चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी, कुछ खड़े मसाले, 1 फुल चक्री, 2-3 पीस दालचीनी के, 1 ब्लैक एलची है, 2 हरी एलची, 1/2 चम्मच जीरा है, 3-4 काली मिरी है और 3-4 लौंग है। अब इसमें मैं कुछ भी चमचा नहीं घुमाऊंगी, इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि मटन अपना पानी छोड़ेगा और उसी जूस में मटन अच्छी तरह से टेंडर होएगा। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी, मेरे साथ बने रहे। चलो फिर 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है। अलग स्टाइल में बनाती हूँ मैं इसे, मटन सिकारी भी बोलते हैं, मटन कड़ी भी बोलते हैं, दोनों सेम है। चलो मैं इसे 1 गिलास पानी ऐड करती हूँ मटन टेंडर होने के लिए। मैं प्रेशर कुक करूंगी, 4 विसल लगाऊंगी, या आपके ऊपर निर्भर है कि आपका मटन कैसा है। अगर ज़्यादा जल्दी से गल जाता है तो आप कम पानी डालिए और 3 सीटी बजाइए, और अगर आपका मटन थोड़ा बड़ा है तो आप इसे 4 या 5 सीटी लगा सकते हैं। तो चलो मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें, अब मैं इसे कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। मटन में पानी उबल चुका है, मैं इसे ढक्कन बंद करती हूँ, इसे 8 विसल आने तक इसे पकाऊंगी, फिर मिलती हूँ। चलो फिर चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मटन टेंडर हो चुका है। थोड़ी कसर बाकी है, 80% टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून में लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, होममेड मसाला, वो भी इसमें जाएगा।
दो चम्मच भर के तेल जाएगा। आप सोचते होंगे कि अंटे ने कितना तेल डाला, लेकिन इसमें तेल जरा ज़्यादा लगता है। तेल ज़्यादा होगा तो अच्छा लगता है। ये मटन शिकारी मटन, इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड करूंगी 1/2 चम्मच। एकदम सिंपल इजी तरह से बनता है ये घर के ही मसालों से। एक बार बनाकर ज़रूर देखना। मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। प्याज हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। जो हमने अभी मसाला डाला है उसे हम थोड़ा पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। सिर्फ ऊपर ढकते हैं, इसे प्रेशर नहीं लगाते, सिर्फ ऊपर ढकते हैं। चलिए फिर चेक करते हैं। नमक मिर्ची चेक कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूंगी ताकि राइस या रोटी के साथ में खा सके। राइस के साथ में बहुत अच्छा लगता है ये। मैं इसे 1/2 गिलास पानी ऐड कर कुकर बंद कर दूंगी कुकर, क्योंकि 80% गोश्त टेंडर हो चुका है और 2 सीटी लगाएंगे तो पूरा टेंडर हो जाएगा। चले तो फिर मिलती हूँ। चलिए 2 सीटी बज चुकी है, अब मैं इसे चेक करती हूँ। हाँ हाँ, माशाल्लाह खुशबू, पूरे किचन में खुशबू हो गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ही मस्त हमारा शिकारी गोश्त बन के तैयार है। चलो मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर मिलते हैं। चले तो फिर मैंने डिश आउट कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और मुझे फीडबैक देना। चले अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो लेकर।